आप सबको गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज 73वां गणतंत्र मना रहा है, पर क्या आपको आज के दिन का इतिहास पता है? क्यों और कैसे यह दिन भारत के लिए इतिहास में इतनी खास जगह बनाता है? चलिए आज पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्नों को और जानते हैं कि आखिर रिपब्लिक डे का इतिहास क्या है। बात 26 नवंबर 1949 की है। इसी दिन भारत को उसका संविधान मिला और भारत अधिराज्य से लोकतांत्रिक हो गया। पर 26 जनवरी 1950 वो ऐतिहासिक दिन था जब यह संविधान पूरी तरह से लागू किया गया। यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यह दिन और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि 20 साल पहले यानी 26 जनवरी 1930 के दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। आजाद भारत का पहला रिपब्लिक डे समारोह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में मनाया गया था और भारत को इसके पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिले। 31 तोपों की सलामी इस दिन को आधिकारिक दर्जा प्राप्त हुआ। 1950 से 1954 के बीच रिपब्लिक डे परेड का आयोजन दिल्ली में अलग अलग जगहों पर किया गया। साल 1955 में रिपब्लिक डे परेड के लिए राष्ट्रपति को चुना गया और तब से राष्ट्रपति पर ही इस परेड का आयोजन धूमधाम से किया जाता है। 1950 से आज तक भारत ने विकास के पथ पर लगातार कदम बढ़ाए हैं और इसका उदाहरण इस परेड में भी दिखता है। यह परेड देश के सांस्कृतिक विरासत और सैन्य क्षमता और उपलब्धियों को गिनाने का एक जरिया भी बन गया है, जो कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से सही कदम है। साल 2017 तक भारत ने 46 देशों को रिपब्लिक डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किया है, जिसमें फ्रांस सर्वाधिक 5 बार शामिल हुआ। 60 के दशक में सोवियत संघ भारत को सबसे ज्यादा आम सप्लाई करता था, इसलिए उन परेड में सोवियत संघ या उससे ताल्लुक रखने वाले देश सबसे ज्यादा आमंत्रित किए गए। 70 के दशक में दुनिया के और भी शीर्ष देश जैसे अफ्रीका, अर्जेंटीना को आमंत्रित किया गया। यह साल 2000 तक चला। साल 2010 के एक्ट एशिया पॉलिसी के तहत ईस्ट एशियाई देशों को आमंत्रित किया जाने लगा। रिपब्लिक डे परेड एक ऐसा मौका होता है जहां देश के हर कोने की संस्कृति को देखने का मौका मिलता है और इसी मौके पर इंडियन आर्म फोर्सेस के वीरों और सिविलियंस को भी सम्मानित किया जाता है। 4 दिनों तक चलने वाला यह समारोह 29 जनवरी की बिटिंग रिट्रीट के साथ खत्म होता है। 1950 के बैटल टैंक से लेकर देश में ही निर्मित आधुनिक हथियार, विमेन कंटिजेंट का परेड में हिस्सेदारी से लेकर फॉरेन आर्मी की हिस्सेदारी, इन सालों में रिपब्लिक डे परेड ने भारत गणतंत्र के विकास को दिखाया है और आगे भी इसी तरह भारत को बढ़ते हुए दिखाता रहेगा। तो फिर से विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।